रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होल्ड सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग इन श्रीनगर विद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी चीफ जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी रक्षा मंत्री टू विजिट अमरनाथ केव श्राइन टुडे। Three terrorists killed in an early morning encounter with security forces in South Kashmir's Shopian district. Search operation underway. Joint Admission Board of IITs decides to relax eligibility criteria for JEE Advanced 2020. All qualified candidates who have passed class 12 examinations will now be eligible for admissions in IITs this year, irrespective of marks obtained. Flood and landslide situation remains grim in Assam, claiming over 100 lives. Heavy rains continue to lash Mumbai and coastal Maharashtra. Several low-lying areas waterlogged due to incessant rainfall. And COVID recovery rate rises to over 63% with over 6.35 lakh recoveries. Active cases stand at 3.4 lakh with over 25,000 fatalities. स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का पानी कुछ और इलाकों में फैल गया है। राज्य के 8 जिलों की 150 पंचायतों की 2,88,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। परमान नदी अररिया में, अधवारा नदी एकमी घाट और कमतौल में, महानंदा नदी डेंगरा घाट, बागमती नदी हया घाट बेनीबाद और रून्नी सैदपुर में, कमला बालान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि अधिकतर स्थानों पर इन नदियों का जलस्तर या तो स्थिर हो गया है या फिर घट रहा है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया और समस्तीपुर में बढ़ रहा है। दरभंगा में जमींदारी बांध का कटाव हो रहा है, इस कारण कई और इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने के आदेश दिए गए हैं। बात असम की करें तो राज्य में बाढ़ के हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं, जहां 26 जिलों के 3,000 से अधिक गाँव बाढ़ में डूबे हुए हैं। बाढ़ की वजह से राज्य में अब तक 79 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में तकरीबन 27 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। राज्य का धुबरी सबसे प्रभावित जिला है। राज्य में बाढ़ की विभीषिका के बीच से एक सुकून देने वाली खबर आई। 2 साल की मादा बाघ को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण के कर्मचारियों ने सुरक्षित उसके आवास क्षेत्र में ले जाकर छोड़ा। दरअसल ये बाघ शाविका मंगलवार को बरनडुब्बी इलाकों में वन्य जीव कर्मचारियों को मिली थी, जो बाढ़ की वजह से अपने समूह से बिछड़ गई थी। ये 2 साल की बाघ शाविका अपने एक और साथी के साथ जंगल से बाहर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकली थी, जिसे ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में देखा गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण ने बाघ को बचाव शिविर में ले जाने का फैसला किया और उसका उपचार करने के बाद वापस उसके समूह के पास वास स्थल में छोड़ दिया गया। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़